सदगुरु की साजी नवाजी, प्यारी प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए दंडिका जी। आज का विशेष टॉपिक है, झांक रहे इधर उधर सब अपने अंदर झांके कौन। प्यारी प्यारी सत्संग जी, हमने अपने अंदर सबसे पहले तो झांकी मारना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं वो सबसे पहले अपने अंदर मुआयना करते हैं, अपने अंदर ताकते हैं, अपने अंदर ही झांकते हैं कि मुझ में क्या कमियां हैं। और यही ब्रह्मज्ञानी की सबसे बड़ी खूबी होती है। संत कबीरदास जी जैसे महान संत, उन्होंने ये बात कही कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोए, जो दिल खोजा अपना तो हम सा बुरा न कोए, कबीर सबते हम बुरे हम तज भला सब कोए। कितनी बड़ी बात संत कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं, ये समझा रहे हैं। कबीरदास जी तो बुरे नहीं थे, लेकिन वो अपने आप को बुरा बता रहे हैं कि कबीर सबते हम बुरे और हम तज भला सब कोए, कि संसार में सबसे बुरा इंसान मैं ही हूं और सारा संसार मुझसे अच्छा है। झांक रहे हैं इधर उधर सब अपने अंदर झांके कौन, ढूंढ रहे दुनिया में कमियां अपने मन में ताके कौन, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते खुद को आज सुधारे कौन, पर उपदेश कुशल बहुतेरे खुद पर आज विचारे कौन, हम सुधरे तो जग सुधरेगा यह सीधी बात स्वीकारे कौन। कि हम यहां वहां ही देखते हैं, अक्सर एक इंसान की हैबिट है, आदत है कि दूसरों की कमियां देखना, दूसरों के अंदर नुक्स निकालना। तो यहां पर समझाई जा रही है बात कि जब एक उंगली हम कहीं किसी की तरफ करते हैं ना, बाकी की तीन उंगली हमारी तरफ इशारा करती हैं कि सबसे पहले अपने आप को देखो, अपने आप को ताको, अपने आप के अंदर झांको कि क्या वाकई में तुम सदगुरु के मुताबिक चल रहे हो। दास तो सबसे पहले अपने अंदर ही झांकी मारता है कि सदगुरु माता जी जो बात कह रही हैं क्या मैं उस बात को मान पा रहा हूं। तो ये रोज डेली दास का एक रूटीन है। दास भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, क्योंकि पूर्ण केवल परमात्मा है, इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है, गलतियां होती रहती हैं। लेकिन फिर भी मुझे अपने आप को ही संवारना है, सुधारना है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। तो अगर मैं अपनी कमियों को देख पा रहा हूं और कमियां दिखाई देती हैं, क्योंकि सत्संग ये निरंकार एक आईना है, सदगुरु एक दर्पण है। जब सदगुरु के सामने जाते हैं, सदगुरु की शिक्षाओं को सामने रखते हैं, तो हमारी सारी कमियां सामने आ जाती हैं कि सदगुरु ने हमें क्या सिखलाया है और मैं कर क्या रहा हूं। सदगुरु ऐसा बनो निरंकारी कि जाने कर्मों से दुनिया सारी, कि मेरे कर्म ऐसे होने चाहिए कि लोग कर्मों से बोले कि भाई ये निरंकारी है, ये अच्छा बंदा है, ये सदगुरु का नेक बंदा है, ये निरंकारी है। दुनिया हमारे कर्मों को देखकर कहनी चाहिए, लोग बोले। तो यही बात बार बार सदगुरु माता जी हमें समझा रही हैं कि हम अपने आप को सुधारे, संवारे। माता जी के जितने भी हम प्रवचन सुनते हैं ना, तो माता जी हर प्रवचन में बार बार ये लाइन दोहराती हैं कि हमने खुद को सुधारना है, खुद को सजाना है, खुद को संवारना है। और जो खुद को सजाता है, खुद को संवारता है, वही महान संत है। तो हमने निंदा चुगली से दूर रहना है, क्योंकि निंदा करना भी पाप है और निंदा सुनना भी पाप है। ना तो निंदा किसी की करनी है और ना निंदा किसी की सुननी है, हमें बचना है, निंदा करने से बचना है, किसी की बुराई करने से बचना है। और अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं तब जाकर सेवा सत्संग सिमरन का लाभ हमें प्राप्त हो पाएगा। हम जितनी मर्जी सेवा सत्संग सिमरन कर लें, रोज करें, लेकिन अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो जितना पुण्य हमने सेवा सत्संग सिमरन से कमाया है वो सब गंवा देते हैं। तो आइए प्यारी सत्संग जी, दास अपने लिए ये बात कह रहा है, दास के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, आप जी आशीर्वाद दीजिए।
कृपा करिए कि जैसे आप जैसे महान संतों के कर्म हैं वैसे दास के भी बन जाए। सदगुरु ऐसा बनो निरंकारी कि जाने कर्मों से दुनिया सारी। प्यारी प्यारी सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।